नमस्कार बच्चों, प्रणाम। ये आपके सामने कक्षा 12 की विषय हिंदी है, पाठ नीति स्वरूप में पहला पाठ है आपके सामने। ये 3 श्लोक हैं आपके सामने और 3 श्लोक में बताया गया है कि नीति स्वरूप, यानी कि जब आप जानते हैं कि नीति स्वरूप है, चाहे ऐसे श्लोक हैं जो हमको कुछ ज्ञान की ओर आगे हमको बताते हैं। ऐसे 3 श्लोक आपके सामने जो नीति के हैं और ये विभिन्न विभिन्न जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से इकट्ठे किए गए हैं और आपके पाठ्यक्रम में ये हैं। पहले इनका हम इनको पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इनका हम इनका अर्थ को जानेंगे। हे जीव हे कटु स्नेहे मधुरम किम न भाषसे, मधुरम मद कल्याणी लोको अयम मधुर प्रिय, यशकृतम न जानती मंत्रम वा मंत्रितम परे, कृतमेवाश्च जानती सवै पंडित उच्यते। इसकी जो तर्ज है लय है वो थोड़ा भिन्न है। विपत्ति धैर्यम मथाभ्युदय क्षमा सदशिवाक् पटुता युधि विक्रम, यशसि चाभि रुचिर्व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम। ऐसे 3 श्लोक हैं और 3 श्लोकों के जो भावार्थ हैं वह ये हैं कि हे जीवे, जीवा आप सभी जानते हैं कि जीवा का जीव का अर्थ होता है कटुक स्नेह, कटुक का अर्थ है कड़वा बोलने वाली, स्नेह कहते हैं प्रेम करने वाली। दो प्रकार के जीव आप जानते होंगे कि जीव जो होती है वह दो प्रकार से बोलती है, एक मीठा बोलती है और एक कड़वा बोलती है। मधुरम किम न भाषसे, हे जीवे हे जीव, कड़वा बोलने वाली और मीठी बोलने वाली, तो जब कड़वा और मीठा है तो मधुरम किम न भाष, तो तुम मीठा क्यों नहीं बोलती हो। मधुरम मद कल्याणी, हे जीव मीठा बोलो, कल्याण करने वाली, क्योंकि संसार में जीव ही ऐसे है कि जो मीठा बोलती है, इसलिए हे जीव मधुरम वध कल्याण करने वाली, अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही नाम होगा। मधुरम वध कल्याणी लोको अयम मधुर प्रिया, ये संसार बड़ा मीठा है, बहुत मीठा संसार, इसलिए इसको बताया गया है कि मीठा बोलो और अच्छा बोलो। इसलिए जीव जीव ही है, सम्मान भी दे सकती है और आपको असम्मान भी दे सकती है। दूसरे श्लोक है, यस्य कृतम न जानंती मंत्रम वा मंत्रितम परे। इसमें एक ऐसा बताया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति है, पुरुष है, जो जो आज तक जिसने कोई कार्य नहीं किया है, ऐसा जो जो कार्य उसके बारे में इसमें बताया गया है कि यस्य मने जिसका, कृतम मने कार्य, न जानंती जिसके कार्य कोई नहीं जानता है, मंत्रम वा मंत्रितम परे, यानी कि उसके पूर्वजों ने कोई कार्य नहीं किया अभी तक और उसके बाद वो कोई कार्य करता है, यानी कि कोई भी कार्य ऐसा है जो अपने पूर्वजों के से उसे प्राप्त हुआ है, तो यहाँ पर बताया गया है कि यस्य कृतम न जानंती मंत्रम वा मंत्रितम परे, ऐसा कार्य जिसका अभी तक किसी ने उसका उपभोग नहीं किया है, चाहे उसको यूज नहीं किया है, कि आज तक किसी ने उसको सुना ही नहीं है। कृतमेवाश जानंती, जब वह कार्य करता है, यानी कि जब कोई आदमी कोई रचना करता है, कोई कार्य करता है, बनाता है, या चाहे कोई निर्माण कोई करता है, जब उसको उसके उस आदमी के बाद कोई लोग जानते हैं उसके कार्य के बाद में, तब उसे ही पंडित कहा जाता है। यानी कि जो आदमी अपने पूर्वजों से पहले जो मिला हुआ है, कुछ कार्य किया हुआ है, यदि वह उसको उपभोग करता है या उसके निर्माण करता है, तो उसे विद्वान ही कहा जाता है। विद्वान उसे बोलते हैं कि जो आज तक जिसने आज तक किसी ने आज तक कोई कार्य किया ही नहीं है और वह काम वह करता है, तो इसलिए उसे पंडित कहा जाता है, जो जिस लोग सुनते हैं। तीसरा श्लोक है कि विपत्ति धैर्यम अथाभ्युदय क्षमा सदशिवाक् पटुता युधि विक्रम, यशसि यश, इसलिए स को उच्चारण करिए, यशसि चाभि रुचिर, क्योंकि ये राह है, इसलिए इस राह को उच्चारण यहाँ पे करेंगे। रुचिर व्यसनम श्रुतौ प्रकृति सिद्ध मिदम ही महात्मनाम। इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आदमियों के गुण विकसित होने चाहिए। इस पाठ में, इस पंक्ति में बताया गया है कि कैसे एक आदमी की व्यक्ति होनी चाहिए। विपत्ति कहते हैं परेशानी में, कष्ट पीड़ा के समय में धैर्य अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। अभ्युदय, यानी कि जब किसी का प्रमोशन हो रहा होगा, चाहे उन्नति हो रही होगी, चाहे आगे बढ़ा होगा, उस समय क्षमा, यदि उससे गलती भी हो जाए तो उस हर किसी से उसे क्षमा कर देना में ही भलाई है। तो विपत्ति के समय धैर्य, उन्नति के समय, उन्नति काल के समय जब प्रमोशन हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसमें क्षमा अत्यंत आवश्यक है। सदसी,
वाक्पटुता किसी सभा में, किसी स्टेज पे या किसी सभा में, किसी बड़े अच्छे किसी हम बैठे हुए हैं तो वहाँ पर वाक्पटुता, यानी कि वाणी की मिठास, ये वाणी की आपकी पटुता होनी चाहिए। युद्ध के समय विक्रम कहते पराक्रम शौर्य, यानी युद्ध के समय आपके अंदर विकसित पराक्रम अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। यशस्वी यानी कि इंटरेस्ट होना चाहिए, मन होना चाहिए आपके, यश माने में आपकी रुचि होनी चाहिए। किसी भी चीज़ कहीं चल रहा है, कुछ कार्य चल रहा है, कुछ हो रहा है, वहाँ आपकी रुचि इंटरेस्ट मन होना चाहिए। विश्राम सुधो अच्छी अच्छी बातों को सुनने में, भलाई सुनने में, अच्छी बातों मीठी बातें में सुनने में आपका, किसी भी सभा में कहीं पर भी कोई अच्छी बातें हो रही, कोई चल रहा हो, उसके सुनने में आपका मन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। प्रकृति सिद्धम मैं कि जन्मजात से सिद्ध मिदम मैंने ये सब, ये जो चीज़ें हैं यही महात्मा इनकी संतों के अंदर ये गुण विकसित होते हैं, यानी कि बचपन से ही उनके अंदर ये गुण विकसित होते हैं। आगे और ध्यान से सुनेंगे, विपत्ति के समय धैर्य, उन्नति के समय क्षमा, सभा में वाक्पटुता, युद्ध के समय विक्रम यानी कि पराक्रम शौर्य, और यश पाने में रुचि होनी चाहिए, और अच्छी अच्छी बातें जहाँ पर हो रही होगी वहाँ पर ये आपका मन सुनने में आपका इंटरेस्ट मन अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। प्रकृति सिद्धम ये बचपन से ही ऐसे जो गुण है वो हर व्यक्ति के अंदर, मनुष्य के अंदर ये बचपन से ही मनुष्य अंदर ये गुण विकसित होने चाहिए। महात्माओं ने कहे ये बातें कही हैं। अगली जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे, अगली वीडियो में कि कुछ जो तीन श्लोक के बाद की जो और श्लोक हैं हम उस पर चर्चा करेंगे अगले श्लोक में। तब तक ले नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।